व कुल और कह दीजिए दीजिएईबादी मेरे बंदों से यकुलू वो कहें अल्लती वो बात जो ही या वो बाहसनु ज्यादा अच्छी हो कितने प्यार से अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहलवा रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए किनसे कह दीजिए मेरे बंदों से कह दीजिए क्या कहें यकुल्लती ही आहसन कि मेरे बंदे जब भी बात करें तो अच्छी बात करें क्यों इन न बेशक शैतान यू फसाद डलवाता है बई ना उनके दरमियान इन न बेशक शैतान का ना है ले इंसानी इंसान के लिए व मुबीना दुश्मन खुला इस आयत में अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब हैं और इन्हें दीन और दुनिया दोनों के लिए एक खूबसूरत उसूल दे रहे हैं अपने बंदों को अल्लाह ताला नसीहत कर रहा है क्या नसीहत कर रहे हैं यकुल्लती ही हिया आहसन कि वो जब भी बात करें अच्छी बात करें यहां पर आहसनों से मुराद अल्लाह की तरफ बुलाना है यानी कलम तैयबा की तरफ दावत देना है और सबसे अच्छी बात ही यही है अल्लाह ताला तला हामिजदा आयत नंबर तैतीस में फरमाते हैं वमन आहसन यानी बात में उससे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए यानी सबसे अच्छी बात किसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए तो अहसनु से पहली मुराद अल्लाह की तरफ बुलाना कलमाए तैयबा की तरफ दावत देना और ये सबसे अच्छी बात है और इसे दूसरी मुराद आम गुफ्तगु में अच्छे कलिमात बोलना अच्छा अंदाज इख्तियार करना नरमी वाली बात करना यानी कलाम को नरम रखना और इस बात का जिक्र हम बकरा की आयत नंबर 83 में पढ़ चुके हैं वकुलु ना से हुसना कहो सारे लोगों से अच्छी बात तो यहाँ अला साल ने दीन और दुनिया दोनों के लिए खूबसूरत उसूल बयान किया है आपको याद होगा हमने सूरत नहल की आयत नंबर 125 में पढ़ा था उदो अला सबील रब्बी का बिल हमती वल हैसनती व जा दिल हम बिल लती अहसन बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हमत के साथ और अच्छे वास के साथ और अगर तुम तो इनसे डिबेट करो तो वो भी अच्छे तरीके से करो क्योंकि यहां पर वजा दिल हम बिल्लती अहसन को ही मजीद वाजे किया जा रहा है किससे ही आहसन से दीन की खिदमत करनी है तो हमत के साथ होगी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बहुत प्यार से नसीहत की है कि मेरे प्यारे बंदे अच्छी बात ही करें क्योंकि अगर वो गैर अहसन बात करेंगे तो शैतान उनके दरमियान फसाद डलवा देगा और ये शैतान कौन है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है यानी इसकी दुश्मनी में कोई शक शुबा नहीं ये आयद वम मुबीना है ये खुला दुश्मन है इसने अपनी दुश्मनी का आयल ऐलान कहा है आप देखें तो एक गैर आहसन बात ही फितना बन जाती है और ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं गैर अहसन बात की वजह से और जबान की बे बेअतारी की वजह से शैतान बीच में आ जाता है और लोगों के दरमियान फितना खड़ा हो जाता है आप देखें तो शैतान अच्छी बात को भी बिगाड़ देता है और बात कहीं से कहीं चली जाती है तो बुरी बात के साथ फिर ये क्या मामला करता होगा इसलिए मोमिन का मोमिन से मामला बहुत मोहतात होना चाहिए बाहीं में गुफ्तु खादीनी हो या दुनियावी हो वो एक दूसरे के अदब और एहतराम के साथ ही करनी चाहिए तो यहां पर आपको हुसन अदब के साथ गुफ्तू का हुक्म दिया गया है मैं आपसे बात करूं आप मुझसे बात करें हम अपने रिश्तेदारों से बात करें हम अपनी औलाद से बात करें हम अपने शौहर से बात करें हम अपने दोस्तों से बात करें हम अपने मातहतों से बात करें हम अपने बड़ों से बात करें लाजमी हमें अदब और एहतराम के साथ बात करनी चाहिए हुसने अदब के साथ बात करनी चाहिए जिन रिश्तों से अदब और एहतराम उठ जाता है वो रिश्ते पनपते नहीं हैं ग्रो नहीं करते और आप देखिए तो हमारा पहला तासर यानी हमारा फर्स्ट इंप्रेशन शुरू किससे होता है गुफ्तगू से गुफ्तगू से ही हमारी समझदारी हमारा अखलाक हमारा हिल हमारी बुढ़दबारी हमारा अंदाज और तरीका मालूम होता है और ये चीज आपने भी नोट की होगी जब तक कोई खामोश बैठा होता है हो सकता है कि उसने अपना इमेज ये शो किया हो कि वह बहुत मिच्योर है बहुत सोबर है बहुत अकलमंद है लेकिन जैसे ही वो बोलने लगता है तो फिर उसकी असलियत सामने आती है तो यहां पर यह बात बताई जा रही है कि अल्लाह का बंदा जब बात करता है तो अच्छी ही बात करता है क्योंकि अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला ने नसीहत की है और वह इस नसीहत को फॉलो करते हैं कि जब भी बात करो अच्छी बात करो वरना शैतान तुम्हारे दरमियान आ जाएगा और शैतान तो तुम्हारा है ही खुला दुश्मन याद रखिएगा जब हम गैर आहसन बात करते हैं तो शैतान हमें अपना खिलौना बनाता है और आपने बच्चों को खिलौने से खेलता हुआ देखा होगा क्या हाल करते हैं उस खिलौने का वो फिर शैतान के जब हम खिलौने बनते हैं तो वो जैसे चाहे हमसे खेलता है तो ये गुफ्तु हमारे अंदर की अक्का है जब भी कोई इंसान अच्छा बोलता है तो वो उस इंसान के अंदर को जाहिर करता है अच्छा जब हम गुस्से में बात करते हैं तो वो भी हमारी असलियत है और अल्लाह साल ये सिचुएशन बनाते हैं और हमें आजमाते हैं आप देखें तो शैतान के लिए भी एक सिचुएशन बनी अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा किया और कहा सभी को कि सजदा करो इसको तो शैतान के लिए ये सिचुएशन आजमाइश बन गई उसने फर्माबरदारी नहीं की और देखें लानतज़दा जदा करार दिया गया फरिश्तों की मजलिस से निकाल दिया गया धुतकारा हुआ हो गया अब वो ये चाहता है कि हम भी ऐसे ही हो जाएं। हम भी अपनी गुफ्तगुओं को जरा सा खराब करें तो ये शैतान फिर हमें टेक ओवर कर ले इसी गुफ्तु से आप देखिए तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और नफरत का इजहार भी करते हैं और इसी गुफ्तु से हम अपनी अहमियत भी जताते हैं और अपनी आजिजी भी शो करते हैं और बसावकत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं इसलिए सोच समझ कर बोलना है और जब भी बोलना है अच्छी ही बात बोलनी है आप देखें तो सख्त कलामी की वजह से लोग दीन से और दीनदार लोगों से दूर हो जाते हैं इसीलिए जो भी दाइए दीन है उसको तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए उसका अंदाज बड़ा ही खूबसूरत और नरमी वाला होना चाहिए उसके कलेमात बहुत ही ज्यादा अच्छे होने चाहिए चुने हुए कलेमात के साथ वो अल्लाह के पैगाम को पहुंचाए क्योंकि ये पैगाम इतना खूबसूरत है इसको आप खूबसूरत अंदाज से ही आगे पहुंचाएंगे तो ही ये पुरअसर होगा ये खूबसूरत कलाम जब लोग अपने बेढंगे कलाम के साथ पहुंचाते हैं तो ऑब्वियसली उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आता है तो यहां इस आयत में अल्लाह तला हमें यह बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बात होती है कुफार से मुशरकिन से या अहले किताब से तुम अगर उनसे मुखातिब हो तो उनसे भी मुशफाना और नरम लहजे में गुफ्तु करोगे और दीन के मामले में आप देखिए बसा लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं वहां उलझन भी होती है गुस्सा भी आता है लेकिन उस गुस्से की हालत में या जज्बात में हम कोई ऐसा जवाब ना दे दें जिससे लोगों के दिलों में हम दीन की नफरत पैदा कर दें दीन वालों की नफरत पैदा कर दें और हम उनको दीन से दूर करने वाले बन जाएं। अच्छी और नरम बात का दिल पर लाजमी असर होता है ठीक है जी एक रिवायत आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स अपने भाई यानी मुसलमान की तरफ हथियार के साथ इशारा ना करे इसलिए कि वो नहीं जानता कि शैतान शायद इसके हाथ से वो हथियार चलवा दे बस वो जहन्नुम के गढ़े में जा गिरे इसे बुखारी ने रिवायत किया है यानी बाज दफा डराने के लिए ही कोई हथियार दिखाता है तो वो ना करे ऐसा क्योंकि शैतान को मौका मिलेगा और शैतान शायद उसके हाथ से वो हथियार चलवा दे बाज दफा माएं ऐसा करती हैं बच्चों को डंडा दिखाती हैं या बस दफा मतलब हथियार में छुरी भी दिखाती हैं और इस तरह से डराती हैं इस तरीके से हथियार का इशारा करना भी मना है क्योंकि देखिए ये गैर आहसन बात है ना अगर हमने इसको किया तो लाजमी तौर तो पर हम शैतान के हाथ का खिलौना बनेंगे जब बसा अवकात हम वक्ती तौर पर खामोश होते हैं यानी हम कहते हैं कि हमें कोई गलत बात नहीं करनी है हम चुप रहेंगे लेकिन बाद में हम गैर आहसन बात बोल जाते हैं तो क्या फायदा हुआ हमारे खामोश रहने का अच्छी बात लाजमी तौर पर करनी है अच्छा कलाम दूसरों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने का नुस्खा है हमारा कलाम सख्त होगा तो हम लोगों को दीन से दूर करने का सबब बन जाएंगे और हमें इसका भी जवाब देना होगा ठीक है ये बात हम सबको याद रखनी है कि दीनदार लोगों से लोग नर्म बात की ही उम्मीद रखते हैं ठीक है तो यहां अल्लाह तला क्या कहना चाहते हैं अच्छा ही बोलना है और अगर अच्छा नहीं बोलोगे तो शैतान तुम्हारे दरमियान आ जाएगा ये जो आपस का बिगाड़ है ना वो दीन को मोड देता है आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है कि जिसने अपना सर मुंडवाया हो उसके सर पर एक भी बाल नहीं होता ठीक है ना तो जो आपस का बिगाड़ है ना वो दीन को मोड़ देता है यानी आपस की बिगाड़ की वजह से दीन वहां से रुखसत हो जाता है खत्म हो जाता है और जो भी गैर आहसन बातें हैं उसको अपनी जिंदगी से हमने निकालना है इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं कर रही बाजा आप देखिए कि लोग अपने रिश्तेदारों के बारे में और स्पेशली ससुराल वालों के बारे में ये कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते मैं इनके काम नहीं कर सकती मेरी इनसे बनती नहीं है सास बहू का झगड़ा आप देख लें फिर इसी तरह से नंद भावच का झगड़ा माँ बाप का औलाद से झगड़ा औलाद का मां बाप से झगड़ा बीवी का शोहर से झगड़ा और इन सब झगड़ों की वजह क्या है गैर आहसन बात जैसे इंसान बुरी बात करता है शैतान दरमियान में आ जाता है उसको दरमियान में आने का मौका मिल जाता है अभी जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि शौहर बीवी के झगड़े कितना बेहतरीन ताल्लुक है ये अल्लाह के नाम के साथ दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं लेकिन कुछ बुरी बातों की वजह से इस प्यारे रिश्ते में भी दरारें आ जाती हैं ये बातें ही होती हैं ना जो वजह बन जाती हैं किसी भी रिश्ते को बनाने में या बिगाड़ने में तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को हम सब पॉजिटिव रखें जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही अच्छी बात हम करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो आपका पॉजिटिव रहना इनशा सामने वाले शख्स को भी पॉजिटिव करेगा और अगर इससे सामने वाले शख्स के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती तो आप ये मुस्बत रवैया अपनी औलाद में देखेंगे इनशाला बड़ी पीसफुल औलाद होती है अल्हमल्ला नस्लें खैर बरकत पाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी अगर आप अच्छी बात करते हैं तो उसका फायदा आपको ही होगा सूर्य इसरा के शुरू में हमने एक आयत पड़ी थी ना अल्लाह ताला ने फरमाया इन अहसन तुम अहसन तुम ली अनफुसिको अच्छे लोगों का हमेशा अच्छा होगा तो अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ताला आप अपनी नस्लों में ये पॉजिटिविटी देखेंगे आपकी नस्लें अमन से रहेंगी सुकून से रहेंगी आज अगर आपने अपने खानदान वालों को जोड़कर रखने का किरदार अदा किया है बावजूद इसके कि बहुत सारी गैर आहसन बातों को आप पी जाते हैं तो इनशाला आप इसका बेनिफिट देखेंगे तो अपनी जिंदगी का उसूल बना लें हम सब कि जब भी बात करेंगे तो अच्छी बात करेंगे ठीक है ना अच्छा इंसान बुरों के साथ भी अच्छा होता है वो ये जानता है कि बुराई का जवाब अच्छाई से कैसे देना है ठीक है ना अच्छा आप देखें तो कुछ लोगों से जब आपकी बात खराब होती है तो आपका दिल चाहता है कि बहुत कुछ सुनाएं, बहुत कुछ बोल जाएं, लेकिन आप खामोश हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह का जो बंदा होता है ना वो खामोश रहने को प्रेफर करता है तो उसका बेनिफिट इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा क्योंकि आपको चुप रहकर निदामत नहीं होगी जितना बोलकर होगी इसलिए ये बात तो गिरा बांध लें कौन सी बात यकुल्लती आहसन और यहां यह बात भी याद रखने की जरूरत है कि बुरी बात करने से शैतान दरमियान में आएगा ही आएगा क्योंकि उसको फिर हम टेक ओवर देते हैं अपना क्योंकि जब हम गुस्से की हालत में होते हैं तो हम बहुत सारी नारवा बातें कर जाते हैं और फिर बाद में सर पकड़कर बैठते हैं कि हमें ऐसी बात नहीं कहना चाहिए थी अब गया वक्त तो वापस नहीं आएगा और फिर ये कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें बात करने का दिल चाहता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम कतराते हैं ठीक है ना हमें पता होता है अगर हमने इनसे ज्यादा बातचीत की तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी यानी कहीं ना कहीं हम कोई गैर आहसन बात कर जाएंगे तो हम कौन से वाले लोगों में आते हैं ये भी हम देख लें अगर हम अच्छे लोगों में आते हैं लोग चाहते हैं हमसे बात करना लोगों की ख्वाहिश है हम हमसे बात करना क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमसे बात होगी तो अच्छी बात होगी हम कुछ सीख सकेंगे तो तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करें अल्लाह का या फिर हम ऐसे लोगों में तो नहीं आते कि जिनसे लोग भागते हैं कतराते हैं अच्छा ये जो दिल की नरमी होती है और जो कलाम की नरमी होती है और ये जो पीसफुल माइंड होता है ना इसका असर चेहरों पर भी आता है आपने देखा होगा कुछ लोगों के चेहरों पर भी बड़ी सॉफ्टनेस होती है और कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ी सख्ती महसूस होती है तो यहां ठहर कर सोचना चाहिए ना अल्लाह ताला ने तो सबको बेहतरीन बनाया है ये इंसान ही होता है जो अपने चेहरे के नुकोश को बिगाड़ लेता है मसलन माथे पर बल डाल के रखना लोगों को आंखें दिखाते रहना मतलब बच्चों को भी वालदन आंखें जो दिखाते रहते यानी खौफजदा किए रखते हैं तो हमें अपने चेहरे को खुशबाइश रखना है हमारे चेहरे के तासुरात भी नरम होने चाहिए सॉफ्ट होने चाहिए अल्लाह ताला हमें अहसन बात कहने की तोहफी किताब फरमाएं अच्छा जब हम गुस्सा जब्त करते हैं तो उस वक्त भी अपने चेहरे के तासुरत पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जब आप गुस्से की हालत में हो तो नो डाउट आपका चेहरा स्ट्रेट होता है ठीक है ना लेकिन चेहरा बिगाड़ा नहीं जा सकता गुस्से की हालत में भी आप चेहरे को नहीं बिगाड़ेंगे नबी अक्रम सल्ह जब गुस्सा जब्त करते थे तो आपके चेहरे से पता चल जाता था क्या अलामत थी आप सलील वसलम के गुस्से की आपका चेहरा सुर्ख हो जाता था कभी किसी ने नहीं कहा कि आपके चेहरे के नकोश बिगड़ जाते थे आप माथे पर बल डाल लिया करते थे नहीं सिर्फ इतना बताया गया कि आपका चेहरा सुर्ख हो जाता था यानी आप अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा जब्त करते थे अपने गुस्से को कि उस जब्त की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो जाता था ठीक है जी और इस बात को हम जब दीन की खिदमत के हवाले से लेंगे हम पॉजिटिव बात करेंगे नर्म कलाम करेंगे तो ऐसी भी सिचुएशन आपको दरपेश होगी कि लोग आपसे बहस करेंगे खो आप कितने भी दलाइल दें ठीक है ना तो उस वक्त भी आपको सबर करना है तो जब कोई जहालत से पेश आए तो इंसान को चाहिए कि बहस ना करे ख्वा कितने दलाइल हों क्योंकि जाहिल इंसान के सामने आप बात करने जाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं है और बगैर दलाइल के तो हमें कोई हक ही नहीं कि हम जवाब दें ठीक है जी अगर हमारे पास दलाइल नहीं है तो फिर हमें बोलने का कोई हक नहीं है और याद रखना है एक बात हम सब ने अच्छा बोलना किसी भी इंसान के अंदर को जाहिर करता है ठीक है अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें इस खूबी को मजेद निखारें और हर किसी से आहसन बात ही करेंगे अच्छा आपने पीछे पढ़ा था कि अगर आप पर कोई ज्यादती करे तो आप उतनी ज्यादती कर सकते हैं ठीक है फिर अल्लाह ताला फरमाते अगर माफ कर दें तो ज्यादा बेहतर यहां अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि आप कभी अहसन बात कर सकते हैं और कभी गैर एहसन बात कर सकते हैं। नहीं नो no चॉइस आपने बात करनी है तो अच्छी ही बात करनी आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जब भी बात करो अच्छी बात करो यानी मुंह से अच्छी बात निकालो क्योंकि बुरी बात का ना बड़ा खतरनाक नुकसान हो सकता है बुरी बातें हमारे नामा यामाल में छप रही होती हैं लिखी जा रही होती हैं सुर खौफ में आप पढ़ेंगे इनशाला जो भी हम बोलते हैं वो हाजिर बाश फरिश्ता उसको लिख लेता है और पीछे भी हमने सुरेसरा में नाम के हवाले से बात पढ़ी चीज हमारी रिकॉर्ड हो रही है तो क्यों हम बुरी बात करके अपने नामयामाल को गंदा करें इसीलिए आप देखेंगे कि अगर इन आयतों को हम अपने अमल में लाना चाहते हैं तो आप खामोश ज्यादा रहेंगे क्योंकि बोलने में एहतियात आपको खामोश कर देगी फिर लायानी गुफ्तू और इसी तरह से फजूल बातें फजूल डिस्कशंस जिसका कोई सर पैर नहीं होता छोड़ दें उसको वेस्ट ऑफ टाइम है और आपकी रूहानियत इससे इफेक्ट होती है आप फजूल बातें करें फजूल वीडियोस देखें आप टाइम ज़ाया करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो रूहानियत है उस पर असर होगा आप रूहानी तौर पर अपने आप को वीक महसूस करेंगे तो एक और होमवर्क आपको दे रही हूं इस आय के हवाले से वो ये कि मैं कितना अच्छा बोलती हूं मैं कितना आहसन बोलती हूं इस हवाले से आप एक हफ्ता अपने आप को चेक करेंगे यानी मुझ में आर्ट ऑफ स्पीच है या नहीं ठीक है ना क्योंकि हर फील्ड में आप देखें तो आर्ट ऑफ स्पीच सिखाई जाती है जैसे कि हमारी फील्ड है हम जब दीन का काम करते हैं तो लाजमी तौर पर हमारा कलाम अच्छा होना चाहिए हमारा कलाम सॉफ्ट होना चाहिए ताकि लोग उस बात को सुने अच्छी और नर्म बात का दिल पर लाजमी असर होता है और जब आप सॉफ्ट स्पोकन होंगे तो लाजमी आप अपने गुस्से को और अपने जज्बात को कंट्रोल करना जानते हैं आपको ये पता है कि कब क्या कैसे बोलना है ठीक है ना? जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ सूरत हाल में मुबतला करके आजमाते हैं कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी और आपका किरदार आपका अखलाक आपका अंदाज बयां लोगों के सामने आएगा अगर आप वाकई अच्छे हैं तो अच्छा सामने आएगी और अगर इसके ऑपोजिट हैं तो वो चीज सामने आएगी जैसे कि अल्लाह ताला ने शैतान को भी आजमाया था वो सजदे का इनकारी हो गया ना अब देखिए तो शैतान में वो खराबी थी अल्लाह उसको बाहर ले आया ठीक है अब जब कभी दिल चाहे ना किसी को सुनाने का आपका दिल चाहे कि हम फलां को उसकी असलियत बताएं तो इस चीज को कंट्रोल करना है हर बात कहने की नहीं होती और गैर आहसन बात तो बिल्कुल कहने की नहीं होती ठीक है जी अल्लाह का बंदा खामोश रहना प्रेफर करता है वो बहुत पॉजिटिव होता है और ये जो गलत किस्म की बातें होती हैं ना वो मुंह से तो बिल्कुल भी ना निकाले अच्छा अक्सर सासें कहती हैं ये बहुएं तो कभी बेटियां नहीं बन सकती और अक्सर बहुएं कहती हैं कि ये सासें कभी मां नहीं बन सकती ठीक है एक कानूनी रिश्ता है इसमें लिहाज मुरद एहतराम ज्यादा है सगे रिश्तों के मुकाबले में लेकिन इसका हर्गी से मतलब नहीं कि आप एक फैमिली नहीं बन सकते नो no डाउट इन रिश्तों में ज्यादा सेंसिटिविटी है ज्यादा हसासियत है इन रिश्तों को ज्यादा संभालना पड़ता है ज्यादा केयर करनी पड़ती है ज्यादा अखलाक का मुजाहरा करना पड़ता है ज्यादा हिल्म का मुजाहरा करना पड़ता है ज्यादा नरमी का मुजाहरा करना पड़ता है लेकिन जब हम अपने आप को अच्छी बातें सुनवाएंगे तो ही हम पॉजिटिव रह सकेंगे कि नहीं मुझे बुरा नहीं बोलना है गलत बात मुझे मुंह से नहीं निकालनी है जैसे मैंने गलत बात कही तो शैतान हमारे दरमियान आ जाएगा आपको पता है अच्छे से अच्छे रिश्ते फसाद की नजर हो जाते हैं एक दूसरे की लोग शक्लें देखना नहीं चाहते एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते भाई भाई का नहीं रहता बहन बहन की नहीं रहती मां औलाद में फितना आ जाता है और इसी तरह से दीगर रिश्तेदारों में भी फितना आ जाता है ये गैर एहसन बातें ही होती हैं जिसकी वजह से बड़े मसले खराब होते हैं तो ये होमवर्क इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं ठीक है और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपको इसी हफ्ते में ही कोई ऐसी सिचुएशन देगा और आपको इस एतबार से आजमा लेगा किस एतबार से या कुल्लती या एहसन के एतबार से फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं रब्बुकुम आयु बेकुम तुम्हारा रब खूब जानता है तुमको ईशा अगर वो चाहे या रमकुम रहम करे तुम पर या अगर चाहे अजाब दे तुमको अल्लाह ताला तुम्हें खूब जानता है अच्छा ये चीज जो है ना आप हर इख्तलाफी और फिकी सवालों के जवाब देने के बाद कहें वो आलम बेसव अल्लाह तला ज्यादा जानते हैं और हम अपनी बात को अल्लाह की तरफ पलटाते हैं आप देखें तो बड़े से बड़ा स्कॉलर जब भी किसी फिकी मसले का जवाब देगा वो आखिर में ये जरूर कहेगा ठीक है और अब बुकुम आलम बिकुम तुम्हारा रब खूब जानता है तुमको ई अगर वो चाहे यार हमकुम रहम करे तुम पर यानी इस्लाम पर अमल की तौफीक दे और ये दुनिया में है औओ यशा या अगर चाहे युवा दिबकुम अजाब दे तुमको यानी तुम नाफरमानी में और शिरक में पड़ जाओ और ये भी दुनिया में ठीक है वमा अरसल नाक और नहीं भेजा हमने आपको आये इन पर वकीला कारसाज यानी बनाकर अब आप देखिए कि जब लोग आपको एज दाइ दीन फील करेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे अच्छा ये जो फलां है ये गलत काम करता है बताओ कहां जाएगा ठीक है तो हम एक जनरल बात तो कर सकते हैं कि जो फरमा बरदार है वो जन्नत में जाएगा और जो नाफरमान है वो दोजख में जाएगा मगर हम ये नहीं कह सकते कि फला शख्स जन्नत या दोजख में ही जाएगा इसलिए कि हर एक की हकी हकीकत हाल और उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं वो जो निन्यानवे कत्ल किए थे बनी इसराइल के एक शख्स ने तो जिसने निन्यानवे कत्ल किए हों आप उसका क्या रिजल्ट बताएंगे जहन्नुम में जाएगा और एक आलिम से जब उसने पूछा कि क्या मेरी तौबा है तो उसने कहा नहीं तुम कैसे तौबा कर सकते हो तुम्हारी तौबा को अल्लाह कैसे कबूल करेगा तुमने निन्यानवे कत्ल किए हैं तो उसने फिर गुस्से में आकर उस आलिम को भी कत्ल कर दिया यूं सौ कत्ल कर लिए उसने फिर एक और आलिम से मिलने गया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है मेरे लिए तोबा है उसने कहा क्यों नहीं अल्लाह तो बड़े से बड़े गुनाह को माफ करने पर कादिर है तुम ऐसा करो नेक सोहबत इख्तियार करो नेक लोगों की बस्ती की तरफ चले जाओ और वो जा रहा था और रास्ते में उसको मौत ने आ दबोचा अल्लाह तला ने कैसा खास कर्म कर दिया उस पर क्योंकि उसकी नीयत थी अपने आप को चेंज करने की अब मैं और आप हों तो हम तो कह दें जी एक बंदा जिसने इतने कतल किए हों ऑब्वियसली उसको जहन्नुम में जाना चाहिए लेकिन हर शख्स की हकीकत और उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पता है एक रिवायत आती है सैदना खारजा बिन जैद बिन साबित कहते हैं कि उमुल आयला एक अंसारी औरत थी जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी वो कहती हैं कि मुहाजरीन क़रा से हम अंसार को बांट दिए गए यानी जो महाजरीन आए थे ना मक्का वो कुरन दाजी के जरिए अंसार को बांटे गए थे कहती हैं हमारे हिस्से में उस्मान बिन मजाऊन रजीला आए हमने इन्हें अपने घरों में उतारा फिर वो ऐसी बीमारी में मुबतला हुए जिनमें उनकी वफात हो गई यानी ये साहबी वफाद पा गए जब इन्हें गुसल दिया और कफन पहनाया गया उस वक्त रसोल्ला सल्लल्लाहु अल्लाह तशरीफ लाए मैंने कहा अबू साहेब ये उस्मान बिन मजाउन की कुनीत थी कहती है अल्लाह तुम पर रहम करे मैं ये गवाही देती हूं कि अल्लाह ने तुमको इज्जत दी यानी बड़ी कन्फर्म बात इन्होंने कह दी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया ओ आला तुझे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने इसे इज्जत दी अब आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑन टाइम तरबिया की कि कोई भी किसी के बारे में कन्फर्म रिजल्ट नहीं बता सकता चाहे वो सहाबी रसूल क्यों ना हो आप सल्हलम ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने इसे इज्जत दी तो वो खातून कहती है मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप आप पर कुर्बान हो फिर अल्लाह किसको इज्जत देगा यानी इतने अच्छे इंसान थे उस्मान बिन मजून अगर अल्लाह इनको इज्जत नहीं देगा तो फिर किसको इज्जत देगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान फौत हो गया और अल्लाह की कसम मैं इसके हक में भलाई की उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह की कसम मैं हतमी तौर पर नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ उमल अला कहने लगी कि अल्लाह की कसम इसके बाद मैं कभी किसी की बुजुर्गी बयान नहीं करूंगी बुखारी की रिवायत है अब आप देखिए कितने पॉजिटिव वे में नबी अक्रम सल्ला वसलम ने इनकी इलाह की कहा कि उस्मान के बारे में हम भी अच्छी उम्मीद रखते हैं हम इनके हक में भलाई की उम्मीद रखते हैं और आप सलील वसलम ने अपनी बात की कि मैं अपने बारे में नहीं जानता हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो फिर किसी और के बारे में तो कोई बात की ही नहीं जा सकती ना तो रोक दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और यहां पर यही बात हो रही है कि रब्बुकुम आयलम बिकुम तुम्हारा रब खूब जानता है तुमको ये जो हम फतवे देते हैं ना फला जन्नत में जाएगा फला जहन्नुम में जाएगा ऐसे फतवे कभी भी ना दें किसी इंसान का नाम लेकर कहना कि ये तो पक्का जहन्नम है या ये पक्का जन्नती है कभी किसी के बारे में ना कहें हाँ जनरल बात जरूर कहें कि जो भी अल्लाह का फरमावरदार होगा ऑब्वियसली वो जन्नत में जाएगा अल्लाह का वादा है और जो नाफरमान होगा वो दो में जाएगा ये भी अल्लाह का वादा है मगर हम ये नहीं कह सकते कि फला शख्स यानी नाम लेके किसी शख्स को पॉइंट आउट करके हम कहें ये जन्नत में जाएगा और ये दो में जाएगा क्योंकि हर किसी की हकीकत हाल को उसके अंजाम को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह साल जानते हैं और कोई नहीं जानता कि किसका क्या मामला है ठीक है बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर कोई शख्स रमजान के महीने में और वो भी ताक रात को फौत हुआ तो क्या वो जन्नत में जाएगा लोग कहते हैं कि जी वो कन्फर्म जन्नती है हां हम उम्मीद जरूर रख सकते हैं कि अल्लाह ने इतना बेहतरीन महीना इतनी बेहतरीन रात अता की तो उम्मीद है कि उसके साथ भलाई होगी इंशाल्लाह कहें लेकिन हतमी फैसला कभी भी ना सुनाए और यहां जो अल्लाह तला फरमा हैं ना वामा अरसल्लाह का आयले ही वकीला और नहीं भेजा हमने आपको इन पर वकील बनाकर कारसाज बनाकर हमने आपको नहीं भेजा कि आप इनको जबरदस्ती अमल करवाए ठीक है ना तो ये बहुत अहम मैसेज इस आयत में हमें दिया गया अब आगे जो आयत आ रही है इसमें अहल मक्का के ऐतराज का जवाब है वो रब और आपका रब आयलो खूब जानता है बेमन उसको जो फिर समावाती आसमानों में है वल अर्दी और जमीन में अहल मक्का के ऐतराज का जवाब है ये वो ये कहते थे कि दो बड़े सरदारों पर क्यों कुरान न उतरा तो अल्लाह तला इन्हें ये जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह को खूब इल्म है किस चीज का आसमानों का और जमीन का तो अल्लाह तला को यह भी पता है कि किसको नबी बनाना है और किसको नहीं बनाना है वलकद और अलबत् तहकीकलत दी हमने बागन नबीन बाज नबियों को आयिलान बास पर अल्लाह इंत करता है बास को बास पर फजीलत दी है आप देखें तो हजरत इब्राहिम को अल्ला ने खलील बनाया मूसा को कलीमुल्ला बनाया ईसा को कलीमतुल्ला बनाया नबी अक्रम सल्हम को सैदालमर सलीन बनाया फिर इसी तरह से सुलेमान सलाम को परिंदों की बोली सिखाई यानी अल्लाह ताला ने किसी नबी को किसी पर फजीलत दी अल्लाह ही इंतखब करता है वह आतईना और दी हमने दाऊदा दाऊद को जबूरा जबूर इस मकाम पर बिलखसूस सैदना दाऊद का जिक्र करने की जो वजह है वो ये मालूम होती है कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे पस्त कद थे यानी इनकी हाइट भी छोटी थी और हकीर समझे जाते थे बकरियां चराया करते थे मगर जो कीमती जौहर इनमें मौजूद थे इन्हें अल्लाह ताला ही जानता था इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें सिर्फ नबी ही नहीं बनाया बल्कि साहिब किताब नबी बनाया फिर बादशाहत भी अता फरमाई तो अल्लाह तौर फरमाते आते ही ना दाऊद और दी हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर नबी अक्रम सल वसलम ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर की किरात आसान कर दी गई थी चुनाचा वो अपनी सवारी पर जैन कसने का हुक्म देते और जैन कसे जाने से पहले ही पूरा कुरान यानी जबूर पढ़ लेते थे इसे बुखारी ने रिवायत किया है तो हो सकता है कि जो इनकी स्पेशलिटी थी जबूर को बहुत खूबसूरत पढ़ना उस वजह से भी इनका खास जिक्र किया गया हो और यह वजह भी हो सकती है कि एक आम इंसान को अल्लाह ताला ने नबी बनाया और साहेब शरीयत बनाया और बादशाहत पेता फरमाई जो कि बहुत ही हकीर समझे जाते थे बहुत मामूली से काम किया करते थे बकरियां चराया करते थे अपने भाइयों में भी सबसे छोटे थे इनकी हाइट भी बहुत छोटी थी लेकिन जो कीमती जौहर जो सलाहियत इनमें मौजूद थी उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता था और अब देखिए कि ये जो कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एतराज़ किया था कि ये रिसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मिली जब बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं तो अल्लाह ताला ने इनको जवाब दिया कि अल्लाह जानता है कि किसको रसालत के लिए मुंतब करना है और किसी नबी को दूसरे पर फजीलत देना भी अल्लाह के इख्तियार में है जैसे कि अल्लाह ताला ने दाऊद को फजीलत दी वह आते ना दाऊद अज़बोरा फिर अल्लाह तला फरमाते हैं कुल दोगो कह दीजिए कि पुकारो अल्लादीना उन लोगों को जाम तुम तुम गुमान रखते हो बंदून ही उसके सिवा यानी उस अल्लाह के सिवा फला अमली कूना तो नहीं वो मालिक हो सकते कशफ दुर्री तकलीफ हटाने के आनकुम तुमसे वाला तहवीला और ना बदलने के यानी ना उस तकलीफ को वो बदल सकते हैं ना वो हालात बदल सकते हैं यहां अल्लाह तला नबी अक्रम सल्ह वसलम से कह रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि वो उन हस्तियों को बुला लें जिनको ये अल्लाह के सिवा माबूद बनाए हुए हैं ये जो जयम तुम का लफ्ज है ना जय से है जा आइन मीन बात में झूठा ख्याल मशकूक बात को कहते हैं झूठी बात को कहते हैं और यहां पर मिन दोन ही से मुरात पैगंबर हैं मलाइका हैं बुजुर्गान दीन हैं इसी तरह से हजरत ईसा जिनको नसारा अल्लाह का बेटा मानते हैं इसी तरह से हजरत उजैर हैं और वो जिन्नात भी हो सकते हैं जो मुसलमान हो गए थे ठीक है क्योंकि आगे इन्हीं के बारे में बात आएगी कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह का कुर पाने के लिए किसी न किसी जरिए की तलाश करते रहे ठीक है तो यहाँ पर मेन्दून ही से कौन से माबूदान मुराद हैं जो अल्लाह का कुर्क तलाश कर रहे हैं उलायकल्लीना यही वो लोग हैं जिनको यह वो पुकारते हैं या बतगुना इला और वो खुद तलाश करते हैं अपने रब की तरफ अलवसीता कोई जरिया अयुहम कौन सा उनमें से अकरब करीब तर हो यरजूना और वो उम्मीद रखते हैं रहमत हो उसकी रहमत की व या खाफून एहजाब और वो डरते हैं उसके अजाब से यानी ये तमाम माबदान अल्लाह का कुर्क तलाश कर रहे हैं और वैसे भी जो खुद मोहताज हो वो दूसरों को क्या सहारा देगा तो यहां माबुदान से मुराद कौन है अंबिया फरिश्तेलिहन बुजुर्गान दीन जिनकी उन्होंने तस्वीरें और मुजस्मे बना रखे थे और फिर वो उनकी इबादत किया करते थे या फिर हजरत ईसा या हजरत उजैर या फिर वो जिन्नात जो मुसलमान हो गए थे ठीक है क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो अल्लाह का कुर पाने के लिए जरिया तलाश करते रहे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते थे और उसके अजाब का खौफ रखते थे अगर वो इलाह होते तो वह अजाब से ना डरते अल्लाह तला फरमाते हैं इन्ना अजाब बेशक अजाब और रबी का आपके रब का काना है महजूर डरने के लायक अल्लाह का अजाब वाकई ऐसा है कि उससे डरा जाए और उसके वाक होने से खौफ खाया जाए तो ये जो आयत है जिसमें ये बात हुई उलायक लदीन यदनाब टन अला रबिमुल वसीत अयह अब वजून रहमत व या खाफून इसको समझने के लिए एक बुखारी की रिवायत आपके सामने रखूंगी अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि इंसानों में कुछ लोग जिनों में से कुछ की पूजा किया करते थे और वो जिन मुसलमान हो गए यानी कुछ लोग जिन्नों की इबादत किया करते थे शिरक किया करते थे अल्लाह का उनको शरीक बनाते थे और वो जिन तो मुसलमान हो गए थे वो खुद अल्लाह का कुर्ब तलाश करने की कोशिशें करते थे अल्लाह से डरते थे अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते थे एक और रिवायत में अल्फाज ये हैं कि बाज इंसान बाज जिनों की इबादत करते थे वो जिन तो मुसलमान हो गए मगर वो इंसान अपने दीन के साथ चिमटे रहे ये भी बुखारी की ही रिवायत है तो आप देखिए कि आज भी बहुत सारे लोग बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला का शरीक बनाते हैं वो ये समझते हैं कि वह मुश्किल कुशां हैं हाजत रवा है हालांकि वो नेक लोग तो खुद मोहताज है वो क्या दूसरों को सहारा देंगे और वो तो खुद तलाश करते हैं अपने रब की तरफ कोई जरिया कि उनको अल्लाह का कर्ब मिल जाए वो तो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं वो अल्लाह के अजाब से डरते हैं क्योंकि इबादत तो खौफ और उम्मीद के साथ ही मुकम्मल होती है ना और फिर आखिर में अल्लाह तला का यह कहना इन्ना आयदाब और रबी का काना महदूरा बेशक अजाब आपके रब का वाकई है डरने के लायक तो क्या वाकई हमें अल्लाह से डर लगता है अच्छा कभी ये बात हमने सोची अच्छा तन्हाई में सोचिएगा कितना डर लगता है अल्लाह ताला से जितना ज्यादा अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिल में होगा उतनी ज्यादा हमारी जिंदगी प्योर होगी इंशाल्लाह अल्लाह का खौफ हमें कॉन्फिडेंस देता है अल्लाह का खौफ हमें मजबूत करता है अमल में अल्लाह का खौफ हमें अपने रवैयों में बेहतर से बेहतर बनाता है अल्हम्दुलिल्लाह

ربكم اعلم بكم إن يشأ يرحمكم او إن يشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا